विश्व कप में भारत लगातार 9 मैच जीतकर जो है सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। भारत जो है सेमीफाइनल का मैच खेलेगी। हमारे साथ यहाँ बिहार के युवा हैं, खिलाड़ी हैं। बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान है, जहाँ पर हर दिन बच्चे जो यहाँ प्रैक्टिस किया करते हैं। तो बच्चों में किस तरह का उत्साह है ये हम जानना चाहते हैं। कल क्या कल है भारत जीतेगा। अगला मारते भारत जो है न्यूजीलैंड के साथ जो हुआ था ना, उसका बदला अभी जबरदस्त लेगा। जैसे होगा अभी भारत जीतेगा था जीतेगा। कितने मैच भारत 9 मैच जीता है सर। अभी चांस से न है कि इस बार इंडिया नहीं पहुंचेगा फाइनल। किसको उतरना चाहिए पहले? पहले तो उतरना चाहिए रोहित शर्मा के सर। हम तो चाहेंगे कि जितना बॉल रोहित शर्मा खेल सके उतना हम लोग के लिए बढ़िया होगा सर। कारण की उनका ओपनिंग बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया सर, की अच्छा बहुत अच्छा होगा। मैच देखते हैं यार, किसका परफॉर्मेंस आपका अच्छा लग रहा है इस पूरे मैच में? रोहित शर्मा और विराट। पिछला जो मैच हुआ था उसमें किसका अच्छा लगा था? राहुल का अच्छा लगा था। इसी तरह क्या कल क्या चाहते हैं, किस तरह कौन मारेगा? कल शुरुआत ओपनिंग बढ़िया रहे उसी तो कुछ नहीं हो। कितना रन का उम्मीद करते हैं आप? 300 रन का लक्ष्य। कल का मैच होगा जो एक तरफा मैच होगा, इसमें हमारा जो टीम है वो बॉलिंग और बैटिंग में दोनों जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। इनके लिए कुछ बताना है ना, जो आप लोग जान ही रहे हैं कि 9 में 9 अनबीटेबल मैच चल रहा है। तो सेमीफाइनल हुआ 2019 वाला मैच तो होने वाला है नहीं, एक तरफा मैच होगा। इसके लिए देखिएगा भारत कप लाएगा। हाँ भारत कप लेके आएगी भारत में। हाँ लेके आएगी। होने वाला है, उम्मीद क्या रखते हैं? उम्मीद यही रखते हैं जैसे विराट कोहली खेल रहे हैं वैसे खेलते रहे, रोहित शर्मा जिस तरह से अटैक देते हैं वैसा देख, और शुभमन गिल अपने पारी को आगे बढ़ाएं और बेटर खेले, और अय्यर से तेज शुरुआत की उम्मीद है, और अपने बॉलर तो काम कर ही रहे थे। मतलब उम्मीद है कि हमें कब जो है उम्मीद है जिस तरीके से अभी तक खेली है भारत, उस तरीके से लग रही है कि आसानी से मैच जीत सकते हैं। लेकिन कल का क्या लेते हैं, कितने का टारगेट दे सकते हैं भारत अगर बल्लेबाजी करनी होती है? पहले बल्लेबाजी करती है भारत तो 400-450 ही बनाती है, तो बढ़िया है क्योंकि बांकड़े है वहाँ पर, पिच सपाट होती है और बैटिंग पिच है, बेहतर है कि 400-420 के करीब भी। अगर जो 380 भी बनती है तो बहुत अच्छे स्कोर है। जैसा कि युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, वानखेड़े स्टेडियम पर कल भारत की टीम कमाल करे यही सबों की इच्छा है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ प्रणय कुमार, NBT ऑनलाइन, बिहार शरीफ।